रीता को मेले में बुलाने के लिए अमृता ने एक प्लान बनाया। एक लेटर लिखती है कि आप इतने पैसे लेकर पहुंच जाइए मेले में और उसके बाद मुझे बताइए आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। मुझे आपका सारा सच पता चल चुका है, मैंने आपकी अंगूठी देख ली। और तभी वहां पे बबीता को लगता है कि ये लेटर मेरे लिए लिखा गया और वो लेटर बबीता पढ़ लेती है। पढ़ने के बाद बबीता को लगता है अब वो फंस चुकी है, अब उसे अमृता को पैसे देने पड़ेंगे। वो बहुत सारा पैसा लेकर घर से निकल जाती है और पहुंच जाती है मेले में। वही अमृता भी मेले में चली जाती है और विराट को बाथरूम में बंद कर देती है ताकि विराट उसके साथ मेले में ना जाए। विराट बाथरूम में बंद रहता और काफी ज्यादा गुस्सा होता है, किसी तरीके से बाथरूम का दरवाजा तोड़कर वो बाहर निकलता। उसके बाद वो मेले में पहुंचने की कोशिश करता है। इधर अमृता जब उसका पीछा करती है बबीता का, तो उस समय उसे कहती है कविता मैम रुक जाइए आपका सच पता चल गया। तभी बबीता को लगता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसे तो लग रहा है गुनहगार कविता है और मैं यहाँ पे आ गई। और बबीता बचकर भागने की कोशिश करती है पर अमृता उसके पैर में पत्थर मारती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। और उसके बाद उसके चेहरे को पलट के देखती है, जब उसका चेहरा देखती है तो देखकर चौंक जाती है, कविता नहीं ये बबीता है। और यहाँ पे अमृता के होश उड़ जाते हैं।